हमीरपुर में कोविड केयर में मरीजों की कम संख्या होने पर अब जिला प्रशासन ने लोगों को सहूलियत देने के उद्देश्य से आयुर्वेदिक अस्पताल में स्थापित किए गए कोविड केयर सेंटर को डीनोटिफाई करके लोगों के लिए ओपीडी खोल दी है। साथ ही आयुर्वेदिक विभाग को हिदायत दी है कि अगर दोबारा कोविड के मामले बढ़ने पर कोविड केयर सेंटर की जरूरत पड़ती है तो तुरंत प्रभाव से इसे खाली किया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। हमीरपुर जिला में कोविड की दूसरी लहर के चलते जिला आयुर्वेदिक अस्पताल को कोविड केयर सेंटर के तौर पर स्थापित किया गया था और मरीजों की सहूलियत के लिए ओपीडी को शिफ्ट करके 10 किलोमीटर दूर लम्बलू में खोला गया था। एक सप्ताह से जिला में कोविड पॉजिटिव के मामले कम आने के चलते अब दोबारा से आयुर्वेदिक अस्पताल की ओपीडी को खोल दिया गया है। वहीं कोविड केयर सेंटर पिछले 15 दिनों से खाली ही पड़ा था और बहुत कम संख्या में यहाँ पर मरीज उपचाराधीन थे। इसको देखते हुए अस्पताल के भवन को वापिस आयुर्वेदिक विभाग को देने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला में वर्तमान में 60 मामले कोविड पॉजिटिव के हैं, जिसमें से 58 मरीज होम आइसोलेशन में उपचाराधीन है तो मात्र 2 मरीज ही मेडिकल कॉलेज में उपचार करवा रहे हैं। जिला उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि कोविड मरीजों की कम संख्या होने के चलते और लोगों की मांग को देखते हुए दोबारा से आयुर्वेदिक अस्पताल की ओपीडी को खोला गया है। उन्होंने बताया कि अगर जरूरत पड़ती है तो दोबारा से कोविड केयर सेंटर में मरीजों को रखा जा सकेगा। हमारे कुछ पिछले अरसे से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसकी उसमें पेशेंट्स अभी कोई भी नहीं थे और ज़्यादातर जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स अभी 2 या 3 पेशेंट्स ही हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के कोविड वार्ड में एडमिट हैं। तो इसी के कारण थोड़ा सा सहूलियत लोगों को देने के लिए, क्योंकि एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जिला मुख्यालय में है जिसकी सेवाएँ हमें बंद करनी पड़ी थी, तो थोड़ी सहूलियत लोगों को देने के लिए हमने केवल पुराने बिल्डिंग का ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो रिलीज़ किया है आयुर्वेदिक विभाग को कि वो ओपीडी की और इस तरह की कोई इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसको जो है वो दोबारा चालू कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोविड की लहर ख़त्म हो गई है या हम लोग उसमें कंप्लेसेंट हो जाएं या कोविड को मान लें कि चला गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस आदेश का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि विभाग को और दूसरे जो मरीज हैं जिनको मुख्यालय में जो रेगुलर सर्विसेज लेते हैं आयुर्वेदा विभाग की या हॉस्पिटल की, उनको सहूलियत हो, सिर्फ ये मकसद है इसका। अगर जैसे ही कोविड के केसेस अगर बढ़ते हैं, अगर इस तरह का कोई अनफॉर्चुनेटली केसेस में बढ़ोतरी दिखती है और कोविड सेंटर को चालू करना पड़ता है, तो एक दिन के भीतर भीतर विभाग को आदेश दिए गए हैं आयुर्वेदिक विभाग को कि वो दोबारा जो है उनको उसको एज इट इज सेम कंडीशन में जो है दोबारा मेडिकल कॉलेज को वापस सौंप देंगे ताकि वो कोविड सेंटर के लिए यूज़ किया जा सके। इसके अतिरिक्त नए बिल्डिंग में और पुराने बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर जैसे कोविड सेंटर का पहले उनको बनाया गया था वो वैसे ही रहे। वहीं व्यापार मंडल के प्रधान अनिल सोनी ने जिला में कोरोना के मामले कम आने पर जिला प्रशासन के पास गुहार लगाई थी कि अब दोबारा से आयुर्वेद अस्पताल को खोल दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिला में कोरोना के मामले कम हो गए हैं और आयुर्वेद हॉस्पिटल में कोई भी कोरोना का मरीज उपचाराधीन नहीं है। लोगों की भावनाओं और आयुर्वेदिक उपचार के लिए इसे वापिस लोगों के लिए तुरंत प्रभाव से खोल दिया गया है। इसके लिए व्यापार मंडल हमीरपुर उपायुक्त देवश्वेता बनिक का धन्यवाद व्यक्त करता है। हमारे कुछ पिछले अरसे से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसकी उसमें पेशेंट्स अभी कोई भी नहीं थे और ज़्यादातर जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स अभी 2 या 3 पेशेंट्स ही हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के कोविड वार्ड में एडमिट हैं। तो इसी के कारण थोड़ा सा सहूलियत लोगों को देने के लिए, क्योंकि एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जिला मुख्यालय में है जिसकी सेवाएँ हमें बंद करनी पड़ी थी, तो थोड़ी सहूलियत लोगों को देने के लिए हमने केवल पुराने बिल्डिंग का ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो रिलीज़ किया है आयुर्वेदिक विभाग को कि वो ओपीडी की और इस तरह की कोई इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसको जो है वो दोबारा चालू कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोविड की लहर ख़त्म हो गई है या हम लोग इसमें कंप्लेसेंट हो जाएं या कोविड को मान लें कि चला गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस आदेश का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि विभाग को और दूसरे जो मरीज हैं जिनको मुख्यालय में जो रेगुलर सर्विसेज लेते हैं आयुर्वेदा विभाग की या हॉस्पिटल की, उनको सहूलियत हो, सिर्फ ये मकसद है इसका। अगर जैसे ही कोविड के केसेस अगर बढ़ते हैं, अगर इस तरह का कोई अनफॉर्चुनेटली केसेस में बढ़ोतरी दिखती है और कोविड सेंटर को चालू करना पड़ता है, तो एक दिन के भीतर भीतर विभाग को आदेश दिए गए हैं आयुर्वेदिक विभाग को कि वो दोबारा जो है उनको उसको एज इट इज सेम कंडीशन में जो है दोबारा मेडिकल कॉलेज को वापस सौंप देंगे ताकि वो कोविड सेंटर के लिए यूज़ किया जा सके। इसके अतिरिक्त नए बिल्डिंग में और पुराने बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर जैसे कोविड सेंटर का पहले उनको बनाया गया था वो वैसे ही रहे।